इको परिवार के तीन जिया का तेज धार हथियारों के नाल बड़ी ही बेरहमी नाल कतल कर दिता गया। ट्रिपल मर्डर की यह खबर लुधियाना तो सामने आई है, नूरपुर बेड़ तो सामने आई है, जिथे इको परिवार के तीन जिया मौत के घाट उतार दिता गया। दसिया जा रहा है कि रिटायर्ड ESI पत्नी ते पुत नू मारिया गया है। हालांकि हैरानी की गल यह है कि शनिवार देर रात कतल किया गया है, तो किसी नू कन्नो कन्नी खबर तक नहीं हुई। तो दसिया यह भी जा रहा है कि पिछले दरवाजे राही कातल आई सी, ते किसे तरह की कोई लुट भी नहीं हुई, कतल दे मकसद दे नाल आए सी ते कतल करके फरार हो जांदे ने। तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं, पुलिस अधिकारियों के वलों मौके पर पहुँच के जांच की जा रही है। पुलिस देर रात पहुँचती है, तीन लाशां बरामद कीतियां ने। मृतकों ते लोहे नाल भारी हथियारों नाल हमला किया गया है, कोई लोहे की चीज़ जिहड़ी सी भारी वजन नाल हमला किया गया है। हमलावरां दी जिहड़ी गिणती आ उह ज़्यादा होण दा खदशा जाहिर किया जा रहा है। दसिया जा रहा है पुलिस की शुरुआती जांच सामने आया कि कतल शनिवार रात 7 बजे तो बाद होया। शनिवार 7 बजे तक उन्हां दी बेटी समन नाल फोन ते गलबात हुंदी है, ते अगले दिन बेटी ने माता पिता ते भरा नूं फोन कीते पर किसी ने फोन नहीं चुकिया। फोन ना चुकण तो बाद समन ने रिश्तेदारां नूं फोन कीता, पिंड दे सरपंच नाल गलबात भी कीती। पिंड दे सरपंच मौके ते PCR दस्ता लैके पहुंचे, दरवाजा तोड़िया तां देखिया कि अंदर खून ही खून सी, तिन्हां दीआं लाशां पईआं होईआं सी। ते दस्सिआ वी जा रिहा कि रिटायर्ड ASI दी लाश घर दे लोबी फर्श तों मिली है, जद के बेटे ते मां दी लाश कमरे दे विच बैड तो मिली है। तां PCR दस्ते ने पुलिस अधिकारियों नूं सूचित कीता, पुलिस अधिकारियों ने मौके ते पहुंच के जांच शुरू कर दिती है। घटना स्थान दा जायजा लिया गया, तां हमलावरां ने परिवार नूं मारन तो बाद लुट दिखाउण दे लई काफ़ी समान की भनतोड़ भी की, कपड़े वगैरह भी खिलार दिते सी, पर इस पिछे जड़ा कोई भी चोरी सामने नहीं आई। तो पुलिस का कहना है कि ट्रिपल हत्याकांड के पिछे पुरानी रंजिश का मामला है। मरण वाले की पहचान कुलदीप सिंह उम्र 65 साल, उन्हां दी पत्नी परमजीत कौर उम्र 61 साल, उन्हां दा बेटा गुरविंदर सिंह उम्र 32 साल के रूप में हुई है। कुलदीप सिंह 2019 च रिटायर हुए सी। कुलदीप सिंह वूमेन सैल च तैनात सी। गुरविंदर सिंह दी 1 साल पहला विआह होया सी। उन्हां दी पत्नी गर्भवती दसी जा रही है। पाली 2 दिन पहले ही अपनी पत्नी नूं ससुराल पायल दे विच छड़ के आया सी। तां पुलिस कमिश्नर दे वल्लों मामले की जांच की जा रही है। दसिया जा रहा है कि शुरुआती जांच दे विच मामला फ्रेंडली लग रहा है। कुलदीप सिंह दे घर वाटर सप्लाई का काम चल रहा सी, जिसका लेबर लगी हुई सी। कोई जान पहचान वाले पहला रेकी कीती है, इस तो बाद खिड़की दी मदद दे नाल हमलावर घर च दाखिल हुंदे ने, वारदात नूं अंजाम दिंदे ने। पुलिस दे वल्लों जांच कीती जा रही है। तां तस्वीरां तुसीं लगातार देख रहे हो, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, तां पोस्टमार्टम दे विच ही पूरा सच सामने आ सकेगा। दसिया वी जा रहा है कि CCTV कैमरे नहीं लगे, पर मृतकां नूं पुलिस दे मोबाइल फोन मिले ने, इन्हां नूं वेरीफिकेशन दे लई भेज दिता गया। जांच जिहड़ी आ उह कीती जा रही है। तो दस्सिया जा रहा है कि हमलावरां ने तिन्ना जिहड़े जी सी परिवार दे तिन्नों जियां दे चेहरे ते नाल मूँह दे नाल नाल सिर ते तेज धार हथियारां दे नाल वार कीते ने, जिस नाल उन्हां दी मौके ते मौत हो गई है। क्योंकि इन्हां दा खून जिहड़ा सुकिया होया है, मतलब कि शनिवार देर रात कतल किया गया है। फिलहाल पुलिस दे वल्लों जांच की जा रही है। दस्सिया जा रहा है कि जिहड़ा दुध घर पाउण आउंदा है, उस दे वल्लों दरवाज़ा खड़काया गया। जदों किसी ने दरवाज़ा नहीं खोलिया तां पुलिस अधिकारियों नूं सूचित किया, ते पुलिस अधिकारियों दे वल्लों दरवाज़ा तोड़ के जदों अंदर वड़दे ने इनवैसटीगेशन शुरू करदे ने, तां लुधियाणा दे विच नूरपुर बेड दे विच इको परिवार दे तीन जिया दा बड़ी ही बेरहमी नाल कतल कर दिता गया। कातल कौन ने, आखिर इस पिछे उन्हां दा मकसद की सी? लुट दी वारदात तां उन्हां दे वल्लों दिखाई गई है, पर लुट जिहड़ी आ नहीं हुई, किसे तरह दा कोई भी समान चोरी नहीं किया गया। फ्रेंडली हो के जिहड़ा घर च दाखिल हुंदे ने ते कतल करके फरार हो जांदे ने। राजविंदर, दिल दहलौ देण वाली वारदात है, इको परिवार दे तीन जिया दा कतल, की कुछ जानकारी, कौन सी हमलावर? जी बिल्कुल मनप्रीत, तुहानूं दस दिए कि लुधियाणा के लाडोवाल नजदीक पैंदे जिहड़ा नूरपुर बेट है, उत्थे जिहड़ा इस वारदात नूं जिहड़ा अंजाम दिता गया। असीं कह सकदे हां कि ट्रिपल मर्डर की जिहड़ी वारदात आ उसनूं अंजाम दिता गया। घर दे विच दे इक्को परिवार दे जिहड़े तीन जी आ उहनां दा जिहड़ा बेरहमी नाल कतल कीता गया, किते ना किते जिसनूं लैके इलाके विच वड्डा जिहड़ा सहम है। तुहानूं दस दिए कि जिहड़े लोग ने पिंड वासी ने उन्होंने दस्सिया कि तकरीबन 7 बजे के करीब जिहड़ा गेट बंद कर लेंदे सी, इह जो अपने घर का गेट बंद कर लेंदे सी, ते इस तों बाद जिहड़ा वारदात नूं अंजाम दिता गया। एक दिन पहला जिहड़ा वारदात नूं अंजाम दिता जांदा है, पूरा दिन जिहड़ा निकल जांदा है, उस तों बाद विच घर विच दुध देण वाला जदों दोजी पहुंचदा है,
गेट खड़का के मुड़ जाता है, परिवारक मैंबर फोन करता है, उन्होंने फोन करता है, पर अगे दी अगे जो फोन किए जाते हैं तो जरा पुलिस को बुला के गेट तोड़ के देखा जाता है तो अंदर तीन लाशा जी मिलती हैं। कितने ना कि अभी कह सकते हैं कि दिल दहलाने वाला मामला जो सामने आया, जिसन लैके जो ने पुलिस जी मामले की जांच कर रही है। उसे पुलिस कमिश्नर लुधियाना भी पहुंचे ने, उन्होंने कहा कि आस पास के जो सीसीटीवी कैमरे ने खंगाले जा रहे हैं, हथियारों के नाल जो चेहर के उपर वार किया गया, कहा जा रहा है कि सब्बल वर्ग का हथियार जो वरत्या गया। अभी कह सकते हैं कि बेरहमी ना जो कतल है किया गया, हम देखना होगा इस मामले में कौन जरा आरोपी निकलता है, कदों तक पुलिस की गिरफ्त में आता है आरोपी जी। तो राजविंदर दसिया जा रहा है कि जिस घर च वारदात हुई है उत्थे तो कोई सीसीटीवी नहीं लगा, पर आले दुआले की सीसीटीवी लगे ने, पुलिस के वालों खंगाले जा रहे हैं जी। बिल्कुल तुम दस दी मनप्रीत की जे जिस घर वारदात को अंजाम दिता गया उ जरा कहते हैं कि काम भी चल रहा है, कोई जिस तरह अभी कह सकते हैं कि कोई टूटियां वगैरह जी ठीक करवाई जा रही थी, कोई लेबर वगैरह लगी हुई थी, पर लेबर कदों गई, कहते हैं कि लेबर कदों गई, कदों इस वारदात को अंजाम दिता गया, इसको लेकर वे जो सवाल खड़े हो रहे हैं। तुम दसिए कि बेशक घर कोई भी सीसीटीवी नहीं है, पर पुलिस कमिश्नर ने साफ ही कहा कि किसी ना किसी व्यक्ति वालों जरा जो पहले ही जानकार थी उस वालों जरा इस वारदात को अंजाम दिता गया है। हुण देखना होगा कि कौन जरा आरोपी फड़ा जाता है, कौन सामने आता है, पर अभी कह सकते हैं कि दिल दहलाने वाला मामला है। कितने ना कितने तीन लोगों की जिहड़ी मौत हुई है, एक परिवार के साबका एएसएसी कुलदीप सिंह उसके जिहड़े परिवारक मैंबरां दा जिहड़ा कतल बेरहमी नाल किया गया जी। ठीक है, शुक्रिया राजविंदर तमाम जानकारी दे लई। तां पुलिस दे वल्लों इस मामले की जांच की जा रही है, बड़ी बेरहमी दे नाल कतल किया गया, जिस दीआं तस्वीरां तुसीं देख रहे हो। पुलिस दे वल्लों जांच की गई क्योंकि शनिवार देर रात कतल किया गया है, तो तस्वीरां जिहड़ियां ने देर रात दीआं ने एतवार दीआं ने, क्योंकि पुलिस नूं जदों सूचना मिलती है, जदों कोई फोन नहीं चकदा, बेटी का कोई फोन नहीं चकदा, तो मौके पर सरपंच जिहड़ा पुलिस दस्ता लैके पहुँचता है, तो घर का दरवाजा तोड़वाया जाता है, तो जदों अंदर जाके देखा जाता है तो तीनों लाशां खून दे नाल लथपथ पईआं सी। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पुलिस अधिकारी की कुछ कह रहे हैं, आओ सुनते हैं। की नाम है? मेरा मोटा सिंह। की लगते हैं कितने वारदात हुई है, की फुफड़ जी ने साढ़े तो सानू भी तो नॉर्मली यही गल पता लगी सी भी कितने जिम्मे सवेरे इन्हों का कोई दुध पाने वाला बंदा वा, वो इन्हों का गेट गूट खड़काया, इन्हें नहीं उठे है, फिर इन्होंने जी नूह आ वो वेख के गई हुई थी, इन्होंने उन्होंने फोन किया, वो कहती भी मैं पुछदी हाँ, उन्होंने अपनी ननान फोन किया, उन्होंने फोन किए कि तुझे फोन घूमे तो इन्होंने चक्या नहीं, फिर जो एडी स्पोर्ट आ के देखा तो पी सी एल की मौजूदगी तड़वा के अंदरों देखा तो अंदर सारे डेड पे से, डेड बॉडी को लॉन्च ही पई है, वो साढ़े फुफड़ जी ने कुलदीप सिंह जी, तो जी बैडरूम च पे ने माँ पुत्र पे ने दोनों। ठीक है, हाँ जी। की कितने सट्टा लगी है? सिर्फ फेस टारगेट किया गया जी, सिर्फ फेस हेड तेज तार राम, हाँ कोई दात ही मारे लगते हैं, ज्यादातर तो मेन तो दात ही लगते हैं, कोई गोली गोली चली नहीं, गोली की इदा का कुछ हजे पता नहीं लग रहा, इन्वेस्टिगेशन जल्दी पई है, बाकी जाँच तो पता लगे, लेकिन दात के ही ज़्यादा निशान ने। ठीक है, तो हूँ पुलिस किदा पहुंची इन्नी रात में कि इस जो शाम के शुरू हुए ने जी, जो तो उन्होंने पता लगे वा, अच्छा उस तो बाद आए ने, हम कमिश्नर साहब आप आए ने मौके पर, लेकिन वारदात कल रात ही हुई है क्योंकि खून सारा ब्लड जमया है। जी वारदात हुई है साढ़े फुफड़ जी भूआ जी ते साडा भरा, अच्छा उन्होंने बहुत बेतरक तरीके नाल मारिया, अच्छा जी। जदों असीं आए हां कुंडे भी अंदरों बंद सीगे, हले पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं बस। ते की थानू की इनफॉर्मेशन किन्ने बजे आई सी, की आई सी? सानू ये फोन नहीं चक रहे थे, तो इन्हों की बेटी असी फोन पर गल की, वह कहते असी जाके देखते हैं भी फोन क्यों नहीं चक रहे है, जो उन्होंने आके देखा सरपंच पी सी आर आर के मौके पर गेट भन के तो अंदर जाके देखा भी लाशा उत्थे पई, बाकी जिथों तक आईडिया सट्टा लगन का दाह भी बजे हुए ने, कोई वैपन फायर भी हुए हुए ने, इन्हों का आपका वैपन ही चक इन्होंने मारिया होना, इहदा कुछ नहीं है। हाँ वैपन नाल ही इन्हों का कोई लभ गया होना बाद चो, उदू बाद इन्होंने फिर वह भी मारे। थाना लाडोवाल दे एरिए दे विच उन्हों जिहड़े मर्डर होए, इस कुलदीप सिंह जिहड़े 2019 दे विच रिटायर होए सी, पंजाब पुलिस दे विच एएसआई दे तौर ते काम करदे सी, ते 2019 च वूमन सैल दे विच उत्थे लगे दे सी, इन्हां दा जिहड़ा इत्थे मर्डर है जिहड़ा
तीन जाने कुलदीप सिंह ते उन्हां दा वाइफ ते उन्हां दा बेटा तिन्ने जिहड़े मर्डर होया वे मर्डर लई जिहड़ा कोई जिवें कह दो जिहड़ी इहनां दी वैपन कोई चीज़ मार के इहनां दे हाँ तेज़ धार बनी जिवें सब्बल टाइप जां उहदे च उहनूं उस चीज़ की सट्ट मार के जिहड़े इहनां दे तिन्ने परिवार के मैंबरां दा मर्डर होया वे असीं लगभग हुण इत्थे 11 वजे वे रात दे असीं सारे ऑफिसर इत्थे इस मौके ते हां ते फिलहाल जिहड़ी इहनां दे विच लगदी है वी कोई फ्रेंडली इहनां दे घरे कोई कम काज हो रहा सीगा जिहदे चों कह दो वाटर सप्लाई दा आपदा ठीक हो रहा सी जां होर हो रहा सी लेबर लगी हुई सी ते साढ़े कई थ्योरियां ते कम कर रहे हैं ते फिलहाल लगदा ये है वी कोई जान पछाण वाला एक करी असैस कीती उहने फिर एंट्री बारी थानी करके ते सुत्ते पिया उन्हां दे उन्हों अटैक करके उन्हां नूं उह कीता परिवार दे मैंबर एक जाग पिया लगदा सी ते उहदे वी जिहड़ी सट वजी है ते तिन्हां दी डैथ हो गई है असीं पोस्टमार्टम करावांगे फिलहाल ये लगदा वी कल शाम नूं लास्ट जिहड़ी पिंड वाले वल्लों दस्सिया वी 7 बजे दे करीब इन्हां नाल गल होई है नॉर्मली 7 बजे आपदा घर दा कुंडा ला लैंदे सी पर जिहड़ी हुण इहदे च इह आ वी अंदर लॉक नहीं लग्गिया होइआ सीगा ते लेबर जिहड़ी कम कर रही सी इहनां ने किन्ने वजे आई सी ते किन्ने वजे गई सी बहुत सारीआं साडे कोल थ्योरीआं इह साडे लई इह चैलेंजिंग केस है वी सीसीटीवी इत्थे है इत्थे है नहीं बट बहुत सारे ढंग तरीके हुंदे आ पुलिस कोल ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਲੋ ਫਰਾਲੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ